अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द लिमिट्स, ठीक है। इसमें भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले जी एक छोटा सा थ्योरम है जो मैं आपको करवा रही हूँ। अच्छा जी, तो ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो लाइक एक्स एन माइनस ए पावर एन और एक्स माइनस ए, और इसकी आप लिमिट ले रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये किसके इक्वल होगा, एन ए पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज़ एन इंटीजर एंड ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और अ पॉजिटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को लेफ्ट को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। ये हमारी लिमिट है जो कि एक्स अप्रोचेस टू ए है और ये फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास n क्योंकि इंटीजर है, तो इंटीजर में आपको पता है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो हम इसको बारी बारी दोनों केसेस की शक्ल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने केस वन डिस्कस किया है व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जब n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आप देखें, अगर जब मैं इसमें n में a पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा a पावर n माइनस a पावर n, तो an से कैंसिल, a माइनस a, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म, ठीक है। इस ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी जो सिंपलीफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर हमारे पास लिमिट वैल्यू पे ज़ीरो हो जाए तो पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई करने के लिए मैंने एक फार्मूला इस्तेमाल किया है, एक्स की पावर एन माइनस ए पावर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन ए एन माइनस वन। ये फॉर्मूला जो है वो हम इस लिमिट में यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको लिमिट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नीचे x माइनस ए, इस x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब है हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो बाय द सम ऑफ लिमिट्स, सब पे लिमिट जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो देखें ये एक्स की जगह पे लिमिट पुट हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन, ये ए एज इट इज़, ये ए एन माइनस टू, ये ए स्क्वायर एज इट इज़ और ए एन माइनस थ्री एंड ए एन माइनस वन, ये हो जाएगा ए एन माइनस वन। अब ये ए पावर वन और ये a पावर n माइनस टू, n माइनस टू प्लस वन करेंगे तो n माइनस वन, n माइनस थ्री प्लस टू करेंगे तो n माइनस वन एंड सो ऑन n माइनस वन। और ये आपके पास टोटल कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी। क्यों n टर्म्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे ये शुरू हो रही थी a ज़ीरो से, a ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है ना, a वन a टू एंड सो ऑन a n माइनस वन, तो ज़ीरो से लेकर n माइनस वन तक हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखें हमारे पास x प्लस x प्लस x, थ्री टाइम्स मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो ये क्या होता है, थ्री एक्स, मतलब x जो है वो थ्री टाइम्स है, तो थ्री इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे कह देंगे कि ए एन माइनस वन कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n a n माइनस वन, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। सिमिलरली अब हमने इसको करना है फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने किया है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, क्या प्रूव किया है कि व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन ओवर एक्स माइनस ए हो तो ये इक्वल आ जाएगा एन ए पावर एन माइनस वन, ये वाला ए, ठीक है। अब यही काम हम करेंगे केस टू में फॉर n इज़ नेगेटिव इंटीजर। जब आप नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, n को माइनस m सपोज कर लेंगे, माइनस m सपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, n की जगह पे माइनस m को पुट कर देंगे। क्योंकि ये नेगेटिव है, इस 1 ओवर x माइनस ए को मैं क्या कर रही हूँ, बाहर मैंने कॉमन ले लिया है, और ये नेगेटिव पावर्स थी तो ये नीचे आकर क्या हो गई हैं, पॉजिटिव हो गई हैं। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स पावर एम ए पावर एम, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए पावर एम माइनस एक्स पावर एम, ये हमने क्या किया है इसका। अच्छा जी, एलसीएम लेने के पास ये फॉर्म बन गई है। अब देखिए पीछे हमारे पास था ए पावर एम माइनस एक्स पावर एम, तो मैंने क्या किया है, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया। ये प्रूफ आपकी बुक पे किया हुआ है, पेज नंबर है आपकी बुक पे, पेज नंबर है 19, ठीक है। ये पेज नंबर 19 से जो है वो आप थ्योरम बुक पे भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया,
और ये x पावर m, ए पावर m मैंने बाहर और x माइनस ए इसके डिनोमिनेटर में ले लिया। अब देखें यहाँ पे m जो है वो इट सेल्फ एक पॉजिटिव इंटीजर है, n को हमने माइनस m लिया है लेकिन m जो है वो इट सेल्फ जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि ये चीज़ जो है वो किसके बराबर है, n a पावर n माइनस वन। अब क्योंकि यहाँ पावर m है तो ये क्या हो जाएगा, m a पावर m माइनस वन, इसमें लिमिट पुट होगी तो ये a पावर m, ये भी a पावर m, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये m a पावर m माइनस वन आ जाएगा। ये माइनस m a पावर m माइनस वन और ये 2m पावर ऊपर जाके माइनस टू एम प्लस m, तो माइनस m माइनस वन। अब क्योंकि माइनस m बराबर है n के तो ये हमारे पास आ जाएगा n a पावर m माइनस वन, जो कि आपके रिक्वायर्ड आउटपुट है। ठीक है, तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या करना था, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो ये हमने एक थ्योरम प्रूव कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पेपर में जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ, बल्कि एक्सरसाइज से पहले आपको एक एग्जाम्पल जो है मैं दिखाना चाह रही थी। ये देखें आपकी बुक पे ये पेज नंबर 19, ये थ्योरम किया हुआ है। फिर एन इज एन इंटीजर, ये पॉजिटिव के लिए, नेक्स्ट इसके सेकंड जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, वो कहता है कि लिमिट है आपके पास एक्स अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए ओवर एक्स, आपने इसको इक्वल प्रूव करना है वन ओवर टू अंडर रूट ए। अब देखें जब आप इसमें जो है लिमिट पुट करेंगे, अब देखें यहाँ पे हम लिमिट को ज़ीरो पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगी, और ऊपर आप पुट करेंगे तो अंडर रूट ए, अंडर रूट से ए से कैंसिल, तो ये भी ज़ीरो ओवर ज़ीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस टर्म को रैशनलाइज कर दिया, प्लस करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये ए माइनस ए, ए प्लस ए वाली फॉर्म बन गई, तो क्या बन जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, बी स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए से कैंसिल एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल, तो ये आ गया। अब देखें इसमें लिमिट पुट करने से ये नॉन ज़ीरो है, बिल्कुल है। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो है तो हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, एक्स ज़ीरो आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, टू अंडर रूट ऑफ ए, जो कि आपके पास इस लिमिट का क्या है आंसर है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और दो और एग्जांपल्स दी गई हैं, एक्स क्यू एक्स के माइनस वन ओवर एक्स के माइनस एक्स, एक्स माइनस थ्री ओवर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, अगेन ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपको पता चल रहा है कि इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ऊपर हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म है, तो इसको हम एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसमें से x को कॉमन ले लिया और इसको हमने x माइनस वन एक्स प्लस वन रिजोल्व कर दिया, एक्स माइनस वन से कैंसिल, इसमें लिमिट पुट की है तो ये आपके पास टू आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इस पार्ट को उसने सॉल्व किया, ये भी अगेन जीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है, इस चीज़ को हमने क्या किया है, ऊपर ले जाकर रैशनलाइज कर दिया, बल्कि उसने x माइनस थ्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज कर लें, चाहे तो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें, करने से ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास प्लस वाली फॉर्म बच गई है, इसमें वैल्यू पुट की है तो टू अंडर रूट थ्री आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन जो है वो सॉल्व कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया है, आज हम क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में वो क्या कहता है, एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स जो भी मैंने आपको पीछे तीन एग्जांपल्स जो हैं वो पढ़ाई हैं, वो तीनों एग्जांपल्स में हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। एक में हमने रैशनलाइज किया, दूसरे में हमने कॉमन फैक्टर लेकर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया, और थर्ड में हमने अगेन जो है वो रैशनलाइज को इस्तेमाल करते हुए तीनों को सॉल्व किया। इसी तरह से सिमिलर हमने ये काम इन क्वेश्चंस के लिए करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें आप, यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। अब देखिए लिमिट हमारी क्या है, माइनस वन। जब आप इसमें माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस वन तो ज़ीरो हो जाएगा, नीचे माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी, जो कि अगेन एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है।
ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने किस तरह से, यहाँ पे देखें आपको x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा एक्स स्केयर माइनस वन, एक्स स्केयर माइनस वन को हमने x माइनस वन एक्स प्लस वन, आपको पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे ही होता है ना, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो x इंटू एक्स माइनस वन, लिमिट पुट कर दिया माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू सॉल्व किया है, तो ये प्लस टू हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह से आपने इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ पार्ट्स जो है मैं आपको मज़ीद करवा देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करें। अच्छा जी, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ईजी है, वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसमें हमारे पास फोर वैल्यूज़ हैं, हमने किसी तरह से इसको रिजोल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट वन पुट करेंगे तो वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल, प्लस वन माइनस वन से नीचे भी वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास फिर से जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा सिंपल करना है, हमने इसको क्या करना है, सिंपल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू वन। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूँ, इन दोनों में से थ्री एक्स फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो चलें एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स ओवर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा वन। नीचे हमारे पास क्या आएगा, एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम कर सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब देखें, ऊपर हमारे पास एक्स माइनस वन इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, आप इसको इस तरह हरगिज मत करिएगा कि एक्स माइनस वन से कैंसिल कर दें, ये दो नेगेटिव टर्म्स हैं बच्चे, इनको हम इस तरह से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, पहले आप एक्स माइनस वन को कॉमन लेंगे, आफ्टर दैट आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन, एक्स माइनस वन कॉमन, जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन कॉमन, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब देखें, हम इसमें अगर वन को पुट करते हैं तो वन स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, ये तो ज़ीरो हो रहा है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो रहा, अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया है, नॉन ज़ीरो हो गया, तो हम इसमें लिमिट को पुट कर सकते हैं, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन ओवर वन इंटू वन प्लस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो ओवर टू, तो ज़ीरो जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आपने एग्जांपल में भी देखा, एग्जांपल में जस्ट यहाँ पे थ्री था, अब यहाँ पे टू है, हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करेंगे और बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। रैशनलाइज करेंगे तो प्लस अंडर रूट टू, सिमिलरली नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट टू, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एक्स माइनस टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टू, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अच्छा जी। अब इसमें देखें, अगर लिमिट पुट कर दें तो क्या ये ज़ीरो हो रहा है, नहीं, अब ये ज़ीरो नहीं हो रहा,
तो हम इसमें लिमिट को पुट कर देंगे, तो ये 1 और 1 2 ऐड होके क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। इसके बाद बेटा आपका लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास क्या है, x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n और x पावर m माइनस a पावर n। अच्छा जी, इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक थ्योरम समझाया है, उसमें हमारे पास क्या था कि व्हेन आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n ओवर x माइनस a, तो ये इक्वल होगा n a n माइनस 1। अब देखिए x माइनस ये ऊपर वाली चीज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन नीचे x माइनस ए हमारे पास नहीं है, न यहाँ पे न यहाँ पे। तो क्या हम इसको कर सकते हैं कि डिवाइड बाय x माइनस ए इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। सिमिलरली नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है। हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या किया है, x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है क्वेश्चन में जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a, ये हमारा नोमिनेटर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a। अपर और लोअर दोनों में हम जो है वो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम आपस देखें, जो n पावर है वो कांस्टेंट 7 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये a और पावर n माइनस 1। अब देखें ऊपर नीचे दोनों आपके पास a हैं, लेकिन यहाँ पावर n है यहाँ पावर m है, तो जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n a पावर n माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा, m a पावर m माइनस 1। तो जब आप इसको फाइनल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n ओवर m a पावर n माइनस 1, ये ऊपर वाली। अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगी तो ये अपने साइन जो है वो चेंज कर लेगी, ये प्लस m ऊपर जाके माइनस m और माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1, ये माइनस प्लस कैंसिल। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, n ओवर m a पावर n माइनस m, जो कि आपका आंसर है। चलें आज के लिए बस आपका इतना ही काम काफ़ी है। हमने आज क्या किया है, एक थ्योरम, यही जो हमने अभी यूज़ किया है इस एग्जांपल में, ठीक है। और उसके साथ जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 ये आपने कंप्लीट जो है वो पार्ट्स इसके करने हैं। ये आपके आज की असाइनमेंट्स है, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।